बंधन के मुटियाराया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा थन के मेरे सोने सोने वे वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिले लगना तेरे सोने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, द फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ ये वाला मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मतलब बहुत ही प्यारा है मेकअप लुक क्रिएट हुआ। इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर दिया एंड थोड़ा सा ग्लोई डूई सा बेस रखा है। एंड इस मेकअप लुक को मैंने कम्प्लीट किया है सिंदूर, मंगलसूत्र एंड साड़ी के साथ, क्योंकि इसके बिना ये वाला मेकअप लुक इनकम्प्लीट था। एंड ये पूरा ट्रेडिशनल इंडियन वाइब्स दे रहा है। ये एक न्यूली ब्राइडल गर्ल मेकअप लुक है, बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही ईजी है क्रिएट करने में। एंड बाय द वे, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। एंड ये जो मंगलसूत्र है एंड ये जो साड़ी है, इसको मैंने मीशो से परचेज किया हुआ था। इस पर मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं इस पर कोई एक लुक क्रिएट करूँ ब्राइडल टाइप में कुछ ऐसा, तो सो फाइनली मैंने इस लुक को क्रिएट किया हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड इसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मीशो पर लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं, तो आप कोड एक बार चेक कर लेना। एंड ये जो साड़ी है बहुत ही प्यारी सिल्क मटेरियल की साड़ी है एंड बहुत ही प्यारा लगता है साड़ी, बहुत ही प्यारा है, पूरा एकदम ग्रीन एंड गोल्डन कलर में है। क्योंकि जो ब्राइडल्स होती है ना, वो अधिकतर मतलब ज़्यादा डार्क कलर की साड़ियाँ पहनती है, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन, मतलब कुछ इस टाइप में। तो मेरे पास ग्रीन था तो मैंने ग्रीन पर ही इस पूरा लुक को क्रिएट किया हुआ है। एंड इसके साथ मैंने बहुत ही प्यारा ये चूड़ा वेयर किया, जो कि इस लुक को पूरा कंप्लीट करता है। एंड ये वाला मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईब्रो से। तो आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है मालियो का जेल आईलाइनर। इसमें ब्लैक एंड ब्राउन दोनों ही शेड्स मिलते हैं। तो आज मैं ब्लैक आईलाइनर को यूज़ करके मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब अच्छे से आपके आईब्रोज को फिल कर देता है। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर और इसको अपने आईब्रोज के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड देन उसको हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। इससे आपका आईब्रोज बहुत ज़्यादा डिफाइन लगता है। एंड नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ फेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट और इससे मैं अपने जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया था ना, उसको हम सेट कर लेंगे ताकि वहाँ पे क्रीज ना पड़े इसलिए। एंड देन मैं आप यूज़ कर रही हूँ एक न्यू डाई शैडो पैलेट और उसमें से मैंने ट्रांजिशन शेड लेके एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आपको अपने पूरे आईज के ऊपर अप्लाई करना है एंड देन उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। एंड देन मैंने सेम पैलेट में से ये थोड़ा सा डार्क कलर लिया हुआ है एंड इसको आपको सिर्फ अपने आईलेट के ऊपर अप्लाई करना है एंड सेम ब्रश की हेल्प से आप ब्लेंड कर लेना। एंड उसके बाद से आप किसी भी आई शैडो पैलेट में से एक ब्लैक कलर लेना, एक स्मॉल फ्लैट ब्रश, एंड उससे आप अपने आउटर वी पे सिर्फ आईलाइनर की तरह अप्लाई करना। उससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा वाला लुक आता है, सिर्फ हाफ आईलेट तक आपको अप्लाई करना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का ग्लिटर आईलाइनर एंड इसको मैं अपने सिर्फ इनर वी से लेके हाफ आईलेट तक उसको मैं अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। ये वाला आई लुक मतलब गाइज बहुत ज़्यादा ईजी है क्रिएट करने में और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगता है अप्लाई होने के बाद से, भी आप देख सकते हो। एंड बहुत ही सिंपल आई लुक है ये वाला। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है लॉरियल पेरिस का वॉल्यूमिनस मस्करा, बहुत ही अच्छा वाला मस्करा, आपकी आईलेस को बहुत ही अच्छी तरह से कर्ल कर मतलब वॉल्यूम देता है ये। तो मैं आज इसी को यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, आपकी आईज़ पे बहुत टाइम तक ये टिका भी रहता है ये। एंड देन मैंने अपने फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिए ऑफ कैमरा, बहुत ही प्यारा आई लुक लग रहा था। एंड उसके बाद से मैं आप यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का ब्लैक मैग्नेटिक काजल एंड उससे मैं अपने अपर लोअर लैश लाइन में काजल को अप्लाई कर लूँगी, जिससे आपकी आईज और भी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। एंड उसके बाद से मैं आप यूज़ कर रही हूँ ये है इनसाइड का प्राइमर और उससे मैं अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर लूँगी और ये एक ब्लर प्राइमर है, आपके पोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से ब्लर आउट कर देता है। एंड नेक्स्ट मैं आप यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन एंड उसके लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 925 फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड नंबर है N220 मीडियम टू नेचुरल, इसमें मेरा शेड नंबर है। बहुत ही प्यारा फाउंडेशन है, मतलब आपको एक मीडियम कवरेज देता है ये। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश एंड इससे बहुत ही अच्छी तरह से आपका फाउंडेशन ब्लेंड होता है। एंड जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड करो ना, अपने ईयर्स पे, अपने नेक पे, मतलब तीनों चीज़ें आप अच्छे से कवर करो ताकि वो एक जैसा दिखे। एंड मैंने अपने नेक पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया हुआ है। एंड इसको सेट करने के लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ ये है लैक्मे का लूज़ पाउडर, क्योंकि समर्स के टाइम पर लूज़ पाउडर बेस्ट होता है आपके बेस को सेट करने के लिए, वो क्रीज पड़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो मैंने टी जोन एरिया पे लूज पाउडर को अप्लाई कर लिया एंड आप इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना ताकि
आपके बेस को ये सेट कर देता है, बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर देता है। एंड जो भी एक्स्ट्रा फेस पाउडर होगा आप उसको डस्ट ऑफ कर दो। एंड देन मैं आप यूज़ करूँ ये है NYBA का फेस कंटूरिंग स्टिक। अपने फेस को कंटूर करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला स्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये आपको एक नॉर्मल मतलब एक नेचुरल सा लुक देता है। ये आपको मतलब ज़्यादा हैवी वाला लुक नहीं देता, नेचुरल लगता है ये आपके फेस पे। मैंने अपने नोज़ पे, अपने चीक बोन्स पे अप्लाई कर लिया एंड देन उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से आपका जो भी फाउंडेशन होगा या फिर आप कंटूर कुछ भी अप्लाई करते हो ना, वो एक आपको नेचुरल सा लुक देता है एंड ब्रश की हेल्प से वो थोड़ा सा आपका हैवी लुक आ जाता है। तो मैं अक्सर ब्यूटी ब्लेंडर ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। एंड उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लिया हुआ है एंड उसमें मैंने हल्का सा ब्लैक आपको आई शेडो लेना है एंड सिर्फ आपको अपने लोअर लैश लाइन पे, फुल लोअर लैश लाइन पे नहीं, आपको हाफ लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करना है एंड आप उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी करना। इससे आपका एक मतलब बहुत ही अच्छा प्यारा वाला इफेक्ट आ रहा था ये। एंड उसके बाद से मैंने सेम ट्रांजिशन शेड को लेके आप लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लिया हुआ है एंड उसके बाद से मस्करा मैंने अप्लाई कर लिया। मस्करा अप्लाई करना कभी मत भूलना लोअर लैश लाइन में, इससे बहुत ही अच्छा वाला इफेक्ट आता है आपकी आईज़ में। एंड देन मैं आप यूज़ कर रही हूँ ये है फेसेस कैनेडा का 3-in-1 फेस पैलेट। इसका मैं ब्लश लेके अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक बोन्स पे एंड थोड़ा थोड़ा मैं फोरहेड पे भी ब्लश अप्लाई करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है उस तरह से अप्लाई करना। एंड देन मैं आप यूज़ करी हूँ हाइलाइटर एंड ये है स्विस ब्यूटी का फ्यूज़न हाइलाइटर एंड आई थिंक इसमें मेरा शेड है सिल्वर एंड इसको मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस के ऊपर, अपने चीक्स बोन पे, अपने नोज़ एरिया पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ हाइलाइटर अप्लाई किया जाता है एंड उसके बाद से मैं इसको नेक बोन पे भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि डीप नेक का हमने ब्लाउज़ पहना हुआ है तो आप अपने नेक बोन पे भी अप्लाई करोगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। एंड उसके बाद से लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये है लैक्मे 925 का रेड कलर का लिपस्टिक, बहुत ही प्यारा रेड कलर है एंड इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। हेयर स्टाइल के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल था, मैंने बीच मांग करके एक जोड़ा बना लिया है एंड उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का गजरा लिया हुआ था, उसको साइड साइड में उसको लगा लेना, बहुत ही प्यारा लगता है गजरा लगाने के बाद से। आपका जो सिंपल भी हेयर स्टाइल होता है ना तो गजरा लगा लो, थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह लगा लो तो उससे और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे दो गुलाब लगा लिए थे साइड में और उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर की बिंदी मैंने लगा ली स्टोन वाली एंड मैंने रेड कलर की भी बिंदी ट्राई की थी पर वो मतलब मेरे फेस पे वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। एंड उसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया मंगलसूत्र एंड ये वाला मंगलसूत्र बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है, ये मैंने मीशो से परचेज किया हुआ था। ज्वेलरी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना था, मैंने सिर्फ एक बड़ी सी गोल्डन कलर की बाली पहन ली थी एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे एक चूड़ा पहन लिया था रेड कलर में, क्योंकि जो न्यूली ब्राइड्स होती हैं वो चूड़ा पहनती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस तो ये था आज का मेकअप लुक, तो आप लोग को कैसा लग रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।